थर्मोडायनेमिक्स इन 5 मिनट्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स एक साइंस की ब्रांच है जो कि डील करती है विद स्टडी या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टर्म्स में आते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सराउंडिंग्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को आप पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से याद रख सकते हैं। इन तीनों थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का एक रिलेशन भी होता है, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम होना इज नेसेसरी। अब समझते हैं जीरोथ लो। अब ये क्या कहते हैं कि मान लो ए बी जो है ना सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है सिस्टम सी के साथ, तो ये कहता है कि ए एंड बी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इंटरनल एनर्जी होती है सम मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी का एंड पोटेंशियल एनर्जी का इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हीट और वर्क में मेन डिफरेंस ये है कि जब हीट सप्लाई होती है तो मॉलिक्यूल रेंडमली मूव करते हैं, वाइल वर्क जब होता है तो एक ऑर्गेनाइज्ड मोशन क्रिएट होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस है और इसको प्लीज रिलेट मत करना केमिस्ट्री वाले साइन कन्वेंशन से, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, समझाने में तो टाइम लगेगा तो जल्दी से देख लो, इट्स जस्ट अ क्विक रिवीजन है। फर्स्ट लॉ, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस देख रहे हैं तो इसमें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो हैं वो चेंज होंगे टाइम के साथ। फर्स्ट यहाँ पे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। ये इतनी स्लो प्रोसेस होती है कि सिस्टम ना इसमें थर्मल और केमिकल इक्विलिब्रियम में ही रहता है विद सराउंडिंग्स। अभी की जो मेन प्रोसेस है मैं आपको बहुत फास्टली बता देती हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस होती है जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कांस्टेंट प्रेशर रहता है। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम रहती है। एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें कोई भी एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता, मतलब डेल क्यू वुड बी जीरो देयर। अब यहाँ पे एक बारी डिराइव करते हैं वर्क डन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, इंटीग्रेट करा। अब ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट से पी की वैल्यू है ये इसको ऊपर डाल, अब जस्ट वैल्यू पुट करी और ये फॉर्मूला बन गया ऐसे। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेना, थोड़ा बहुत लोग सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर लो, वरना ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो इसको ऐसे लर्न करके। और ये तो था वर्क डन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए लिखते हैं। अब देखो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए भी वर्क डन का फॉर्मूला लिख लो, उसे इंटीग्रेशन में डालो। देखो एडियाबेटिक चेंज के लिए तुम्हें यही यूज करना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन की वैल्यू डाल दो वर्क डन वाले फॉर्मूले में। अब वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाता है। इसके बाद हमने थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है एंड फाइनल डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख देना। अब देखो तुम लोगों को लॉग वगैरह वैसी चीजें सॉल्व करनी आती है, सो यू विल बी एबल टू इजीली सॉल्व दिस आउट, है ना। बट इफ यू आर जस्ट लाइक मी तो डायरेक्ट कुछ स्टेप्स लिख के, थ्योरी लिख के एंड देन जस्ट डिराइव। अब जल्दी से आते हैं हीट इंजन पे। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और एक साइक्लिक प्रोसेस में ही होता है। इसके कुछ पार्ट्स हैं दैट आर सोर्स, सिंक एंड वर्किंग सब्सटेंस। अब सोर्स क्या होता है? ये हाईर टेम्परेचर पे एक हीट रिजर्वोयर है, जबकि सिंक लोअर टेम्परेचर वाला हीट रिजर्वोयर है। और वर्किंग सब्सटेंस क्या है? ये परफॉर्म करता है मैकेनिकल वर्क जब इसको हीट सप्लाई करते हैं तो। अब एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन आपको रेशियो देता है ऑफ नेटवर्क डन बाय इंजन टू अमाउंट ऑफ हीट अब्जर्व बाय वर्किंग सब्सटेंस। हीट इंजन की एफिशिएंसी हमेशा यूनिटी से कम होती है, मतलब 1 से कम होती है, बिकॉज सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का यही तो कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन जो कि परफॉर्म करे इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क, मीन्स जिसमें कोई भी हीट वेस्टेड ना हो, ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट करना इज इम्पॉसिबल। बट एक हाई एफिशिएंसी का कार्नट इंजन जो कि एक आइडियल रिवर्सिबल इंजन है, वो यहाँ पे कार्नट इंजन होता है। बट ये एक आइडियल इंजन है, सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट रियल। अब यहाँ पे क्विक रिवीजन लेते हैं कार्नट साइकिल का। फर्स्ट स्टेप आइसोथर्मल एक्सपेंशन, स्टेप 2 एडियाबेटिक एक्सपेंशन, स्टेप 3 आइसोथर्मल कंप्रेशन, स्टेप 4 एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब चलो रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक कार्नट इंजन ही होता है, लेकिन ये रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहा होता है। हाँ, और एक और चीज बतानी थी कि कार्नट थ्योरम ये कहती है कि कोई भी इंजन के पास एफिशिएंसी ज्यादा नहीं हो सकती कार्नट इंजन से। अब ये है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो कि रेशियो है ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड पर साइकिल टू द मैकेनिकल वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन इट। अगर आप इसको टेम्परेचर के टर्म में लिखना चाहें तो आप इसको लिखोगे T2 by T1 minus T2। हाँ, और रेफ्रिजरेटर के सारे प्रोसेस जो है आप रिवर्स में लिखें जो कार्नट इंजन के आपने लिखे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस वन। मीट यू नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।